गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और बारिश भी जो है सुबह से स्टार्ट है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आज सुबह का शुरुआत यहीं से हो रहा है और इसके बाद देख सकते हैं बारिश भी हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम यहाँ पर नहा के आ चुके हैं और मेरा नाश्ता भी जो है बन चुका है और बाहर का नज़ारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन बाहर देख के ऐसा नहीं लग रहा कि 10 बज रहा होगा। और यहाँ पे हो रहा है मेरा नाश्ता, तो नाश्ते में करेले के भुजिया, चटनी आम का और रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे और आज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह से बारिश ही हो रहा है, तो बाहर का नज़ारा आपको दिखा चुके हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और 2 दिन से बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, देख सकते हैं मेरे हाथ में नाश्ता। और आजकल पता नहीं करेला कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तो करेले का भुजिया, चटनी आम का और फिर रोटी है मेरे नाश्ते में। और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल बारिश जो थोड़ा थोड़ा जो है लगातार सुबह से हो ही रहा है, तो अच्छा लग रहा है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे आपके साथ पूरा दिन शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हो चुका है और टाइम यहाँ पे देख सकते हैं बजने वाला है 11 और अभी चलते हैं किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज ये वापस आ रहे हैं। तो वैसे तो कुछ खास नहीं बना रहे हैं, बस चावल दाल और सब्ज़ी ही बना रहे हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज कोई स्पेशल लंच नहीं बन रहा है, सिंपल सा ही लंच बना रहे हैं, चावल दाल और आलू का सब्ज़ी। और यहाँ किचन में आ गए हैं और यहाँ सब्ज़ी बनाने का सारा तैयारी पहले से ही कर चुके थे। तो यहाँ देख सकते हैं अदरक लहसुन को कूट लिए हैं और ये उबला हुआ आलू है इसको भी काट लिए और प्याज भी मेरा कटा हुआ है। तो अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, तो पहले इसमें आलू को फ्राई करेंगे और आज इसमें सोयाबीन भी डालना है, तो सोयाबीन को भी इसमें थोड़ा फ्राई करेंगे, पहले आलू को फ्राई कर लें उसके बाद। तो यहाँ पे गर्म पानी में सोयाबीन को डाल दिए हैं और इसके बाद पानी से निकाल के इसको इसी कढ़ाई में फ्राई कर दिए हैं आलू को निकालने के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोयाबीन को भी 2-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर देंगे, इससे टेस्ट जो है अच्छा आता है। और आलू सोयाबीन फ्राई होने के बाद यहाँ पर डाल चुके हैं हाँ प्याज, तो प्याज को भी अच्छे से फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर, बिल्कुल गल जाए प्याज अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज फ्राई हो रहा है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद नॉर्मल सारे मसाले फ्राई होने के बाद यहाँ पे आलू सोयाबीन सबको एक साथ मसाले में ऐड कर दिए हैं और इसमें टमाटर भी है, तो सब कुछ अच्छे से फ्राई। तो नॉर्मल जैसे सारी सब्जी के लिए मसाले और टमाटर को गलाते हैं और उसके बाद बाकी सारी सब्जी को फ्राई करते हैं, उसी तरह से ये भी सब्ज़ी बना रहे हैं। बहुत आसान है, सिंपल, इसमें मसाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। और सब्ज़ी फ्राई होने के बाद इसमें डाल दिए पानी और पानी में अब उबाल आ जाए उसके बाद ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनने में और सब्ज़ी भी बहुत अच्छा लगता है, तो देख सकते हैं। और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें उबला हुआ आलू डालें तो ग्रेवी जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा इसलिए। तो देख सकते हैं ये इसका कलर जो है बिल्कुल अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर जब तक मेरा सब्ज़ी रेडी हो रहा है इसके बाद चढ़ा देते हैं दाल को। तो दाल को यहाँ पे पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो दाल में नमक और हल्दी डाल के इसको 4-5 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो तब तक देख सकते हैं यहाँ पे डेली की तरह पंडुक जो है वो मेरी खिड़की पे आई है और यहाँ पे पानी भी रखते हैं इसलिए यहाँ पे चिड़िया आते रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ सब्ज़ी में उबाल आ गया है, इसको 2 से 4 मिनट और लगेगा और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। देख सकते हैं देखने में इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन चुका है, इसके बाद दाल भी रेडी हो चुका है, इसमें सीटी आ गया है, देख सकते हैं इसका गैस भी निकल गया है, तो इसमें अब तड़का देना है। तो दाल रेडी है, इसको बस जीरे का तड़का देंगे और इसके बाद मेरा चावल रेडी हो जाएगा। तो आज दोपहर का जो लंच है वो मेरा हो चुका है, बन गया है। और यहाँ लंच रेडी होने के बाद फिर दोपहर में और कुछ सूट नहीं हो पाया और यहाँ पे
रात में ही वीडियो ले रहे हैं, देख सकते हैं बाहर आए हुए सब्ज़ी लेने के लिए कि बहुत टाइम से मंडी से सब्ज़ी लिए नहीं थे, तो सोचे क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। तो ये देख सकते हैं रात का नज़ारा, सब लोग यहाँ पे आए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। बहुत लेट से भी निकले थे हम लोग, 9:30 हो रहा था। यहाँ आम देख सकते हैं बिल्कुल पीला पीला, और ये बस देखने में अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहता है। और यहाँ पे बाकी सारे फ्रूट्स भी थे, पपीता, तरबूज, अंगूर, सारा फ्रूट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ हम लोग वापस घर की तरफ, और अभी ईद भी चल रहा है इसकी वजह से पूरे मार्केट में फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो अब आ चुके हैं घर, और यहाँ दोपहर दूसरे दिन का आपके साथ आगे वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं डायरेक्ट ये लंच का है, तो ये ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं और इनका लंच जो है वो रेडी कर रहे हैं हम। तो और इनका दोपहर का खाना जो है वो भी अभी नहीं हुआ है, तो पहले तो इनको दोपहर का लंच दे चुके हैं और इसके बाद इनका टिफ़िन जो है वो पैक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आलू और बोरो का सब्ज़ी है, और यहाँ पे बोरो को सब लोग चौला भी बोलते हैं। और यहाँ पे इनके टिफ़िन के लिए रेडी है पराठे, और यहाँ पे इनका लंच रेडी हो गया है और ये खुद रेडी होने में लगे हुए, तब तक इनका जो बैग है उसमें लंच और बोतल जो है वो डाल देते हैं ताकि कुछ छूटे ना। और यहाँ पे इनको बीच बीच में इनका सामान भी जो है वो देना पड़ता है। तो ये रेडी हो रहे हैं और इनका सामान सारा यहाँ पे लाके रख रहे हैं, तो यहाँ पे लंच जो है वो बैग में डाल देते हैं ताकि रह न जाए। तो लंच और वाटर बोतल इनका पैक हो चुका है, और यहाँ टाइम देख सकते हैं 12:25 हो चुका है, और टाइम ज़्यादा हो रहा है और इनको जल्दी भी जाना है आज। और इधर देख सकते हैं इनका यूनिफॉर्म जो आयरन करके अभी ही रखे हैं, तो ये रेडी हो रहे हैं और इसको, और ये भी रेडी हो चुके हैं और जल्दी से जो भी इनको सामान रखना है वो अपने बैग में डाल रहे हैं। और ये देख सकते हैं अब जूता पहन के निकलने का इनका हो रहा है तैयारी। यहाँ देख सकते हैं ये निकल चुके हैं और मेरा भी सारा काम निपट गया है। हेलो एवरीवन, आज संडे है और ये व्लॉग स्टार्ट किए हुए हैं सैटरडे से, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो सोचे क्यों ना आज इसको एंड कर दें। तो ये अभी जा चुके हैं ड्यूटी, क्योंकि टाइम देख सकते हैं अभी 1:15 होने वाला है, तो ये जा चुके हैं और मेरा सारा काम भी हो गया है, तो सोचे इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। और मेरा फिर से पहले वाला रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अहमदाबाद से वापस आ गए हैं, तो आज से इनका ड्यूटी जो है स्टार्ट हो गया है। तो फिर से आपको पहले की तरह मेरा रूटीन जो है देखने को मिलेगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।